गूगल पिक्सल 4XL वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S22। भाई एक बात तो कंफर्म है, फोन जितना भी महंगा हो, जितना भी लेटेस्ट हो, जब भी उसे किसी पिक्सल डिवाइस से कंपेयर करते हैं तो सामने वाला कहता है कैमरा बंद कर दे। तो आज हमारे कैमरा चैंपियन के मुकाबले में आया है सैमसंग का S22। S22 की बैक पे तीन कैमरा है, एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। जबकि 4XL की बैक पे एक 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 16 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा है। 4XL जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा परफॉर्म करता है। इस वीडियो में हम डे टाइम फोटोग्राफी, एक्सट्रीम HDR, जूम टेस्ट, पोर्ट्रेट मोड और डे टाइम वीडियोग्राफी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरुआत करेंगे हम जरा डे टाइम फोटोग्राफी से। डे टाइम में हर कैमरे अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम थोड़ा क्रिटिकल होकर एनालिसिस करेंगे। शटर स्पीड और शटर रिस्पॉन्स में S20 का ज्यादा बेहतर लगा और कैमरा प्रीव्यू में S20 ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। अब जरा बढ़ते हैं हम अपने रिजल्ट्स की तरफ और देखते हैं दोनों कैमरास ने कैसी फोटोज क्लिक की हैं। फोटोज पे नजर डालें तो S22 की फोटो थोड़ी ज्यादा वाइब्रेंट है, जबकि 4XL की फोटो थोड़ी म्यूटेड और डल सी नजर आ रही है। दोनों कैमरास ने काफी सॉलिड फोटो ली है। कलर एक्यूरेसी की बात करें तो 4XL यहाँ पे क्लियर विनर है, क्योंकि 4XL ने काफी नेचुरल फोटो बनाई है, जबकि S22 की फोटो थोड़ी ज्यादा वाइब्रेंट और प्लीजिंग फील हो रही है, जिसे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो पहली फोटो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप लोग बताएं आप कौन सा कैमरा ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं जरा एक्सट्रीम की तरफ और दोनों का HDR टेस्ट करते हैं। दोनों फोन्स को मैंने सूरज के बिल्कुल अपोजिट रख दिया और देखते हैं कौन सा कैमरा ज्यादा अच्छे से एक्सपोज करता है। जिस फोन का HDR जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को उतना ही अच्छे से एक्सपोज रखेगा। फोटोज क्लिक हो गई और अब देखते हैं दोनों ने क्या गुल खिलाए हैं। इस बार रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग आए हैं। दोनों कैमरास ने बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया, जबकि फोरग्राउंड में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं S22 की फोटो ज्यादा ब्राइट और क्लियर है। ज्यादातर कैमरास फोरग्राउंड को अच्छे से एक्सपोज करने के चक्कर में बैकग्राउंड को ओवर एक्सपोज कर जाते हैं, पर S22 का HDR काफी अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग है। 4XL की फोटो का थोड़ा सा कंट्रास्ट और सैचुरेशन बढ़ा दे तो सेम S22 जैसी हो जाएगी, पर इस टेस्ट में S22 क्लियर एज कर रहा है। अब जरा जूम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं S22 में मैक्सिमम जूम 30x है। 30x जूम पे भी कैमरा मुझे काफी स्टेबल लगे और अब जरा रिजल्ट्स देखते हैं। इतना ज्यादा जूम के बाद फोटो बहुत ज्यादा शार्प तो नहीं है, पर फिर भी किसी हद तक यूजेबल है। अब बारी आती है 4XL की और इसका मैक्सिमम जूम 8x है। मैक्सिमम जूम पे कैमरा काफी स्टेबल है और फोटो कैप्चर करने में कोई मसला फेस नहीं हो रहा। इसके रिजल्ट की बात करें तो फोटो काफी शार्प है और डिटेल्स काफी डिसेंट है। इसका मैक्सिमम जूम तो कम था पर फोटो क्वालिटी काफी डिसेंट है। अब जरा टेस्ट को फेयर रखने के लिए दोनों का जूम 8x कर दिया तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। 4XL की फोटो थोड़ी डल ऑयल पेंटिंग से लग रही है, जबकि S22 की फोटो थोड़ी ब्राइट और ज्यादा क्लीन है, और S22 में 4XL की निस्बत डिटेल्स का लेवल भी ज्यादा है। अब बढ़ते हैं जरा पोर्ट्रेट मोड टेस्ट की तरफ। उसके लिए भी मैंने एक लड़का अरेंज किया है, क्योंकि आप लोगों का एतराज होता है कि पोर्ट्रेट मोड ऑब्जेक्ट्स पे नहीं ह्यूमंस पे टेस्ट किया जाए। दोनों फोन से बारी बारी पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक कर रहा हूं और दोनों की सारी सेटिंग्स भी ऑटो पे है, इवन टैप टू फोकस तक भी नहीं किया मैंने। अब रिजल्ट्स देखें तो 4XL की फोटो डल सी लग रही है और S22 की फोटो काफी ब्राइट और कलरफुल लग रही है, पर मेरी ओपिनियन के हिसाब से इस सीन में 4XL विनर है। एक तो 4XL में बैकग्राउंड ब्लर काफी नेचुरल है, ऊपर से स्किन ट्यून और फोटो में कलर्स काफी एक्यूरेट है। 4XL की फोटो को थोड़ा सा एडिट किया मैंने और रिजल्ट्स देखें आप। S22 की फोटो को भी कलर्स मैच करने के लिए मैंने एडिट किया, पर इसमें सैचुरेशन का पंच ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा था, तो पोर्ट्रेट मोड में एक्यूरेसी की बेसिस पे 4XL विनर है। दोनों फोन्स में कोई डेडिकेटेड मैक्रो मोड तो नहीं है, पर जितना भी मैक्सिमम क्लोज होकर फोटोज क्लिक हो सकती है मैं उतना क्लोज करके फोटोज क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज करने से ऑब्जेक्ट फोन की फोकस रेंज से आउट होकर ब्लर हो जाता है। दोनों से फोटोज क्लिक हो गई और अब रिजल्ट्स देखते हैं। पहले की तरह S22 की फोटो थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट और कलरफुल है, जबकि 4XL अगेन से थोड़ा म्यूट और कलर एक्यूरेट है। डिटेल्स और फोकस वाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है, बाकी कलर प्रेफरेंस का मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताएं आप ब्राइट फोटोज प्रेफर करेंगे या नेचुरल लुकिंग, जिन्हें आप बाद में एडिट करके ब्राइट कर सकते हैं। वीडियो की बात करें तो S22 मैक्सिमम 8K 24fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जबकि 4XL मैक्सिमम 4K 30fps तक। दोनों फोन्स को हम इक्वल सेटिंग 1080p 60fps तक रख के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ताकि कंपैरिजन फेयर हो और हमें अच्छे से रिजल्ट्स का आइडिया मिले। वीडियो क्वालिटी में सैमसंग क्लियर विनर है, आप लोग देख सकते हैं सैमसंग की वीडियो में HDR काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीडियो में कलर रिप्रोडक्शन और स्टेबिलाईजेशन वाइज भी सैमसंग बहुत बेहतर है। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रीफ कैमरा कंपैरिजन। वीडियो में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने क्लियरली बता दिए आपको और अपनी ओपिनियंस भी शेयर कर दी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए